यूपी चुनाव में पीएम मोदी ने लगाया एमडीएच का तड़का, यह है योगी की फिर से वापसी का प्लान। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सत्तारूढ़ बीजेपी पिछले 30 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सत्ता पर अपना कब्जा बनाए रखने की कवायद में जुटी है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार वापसी की कमान नरेंद्र मोदी संभाल ली है। प्रधानमंत्री मोदी के ताबड़तोड़ यूपी दौरे से यह साफ है कि वे 2024 की तैयारियों में अभी से जुट गए। इस बार उन्होंने एमडीएस का तड़का लगाए, यानी महिला डेवलपमेंट और हिंदुत्व, बीजेपी की चुनावी तैयारी आदि आबादी विकास और हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही। आइए इसे एक एक करके समझे। एम फॉर महिला। मोदी युग से पहले महिलाओं के वोट की ताकत शायद ही किसी ने समझा होगा। 2014 के चुनाव में महिलाओं का वोट एक बड़ा गेम चेंजर था। कई योजनाओं के जरिए बीजेपी ने महिलाओं को सारने की कोशिश की और वो सफल भी हुए। मिशन शक्ति हो या फिर उज्ज्वला गैस कनेक्शन या महिलाओं के नाम पर मिलने वाली कई छूटे, ट्रिपल तलाक के कानून के जरिए मुस्लिम बिरादरी में बीजेपी ने सेंधमारी कर ली। अब शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किए जाने के कदम को भी इसी रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी यूं ही ये सब नहीं कर रही है, बल्कि इसके जरिए पार्टी ने हर घर में अपना अलग अलग वोटर खड़ा कर लिया है। अब पहले का युग नहीं रहा है। घर का मुखिया जिसे वोट देने का कह देता, उसे ही घर की महिलाएं वोट दिया करती थी। महिलाएं अब स्वेच्छा से वोट करने लगी। कई चुनावों में देखा गया है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का वोट शेयर होता है। ऐसे में पीएम मोदी ने यूपी इलेक्शन में लिए मजबूत महिला ब्रिगेड अपने पाले में खड़ी कर ली। यह ट्रेंड देखा गया है कि महिलाएं जातिगत आधार पर अमूमन वोट नहीं करती हैं। भाजपा के लिए यह सबसे बड़ी जीत है। डी फॉर डेवलपमेंट। महीने डेढ़ महीने में पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के लगभग हर हिस्से में दौरे किए। बुंदेलखंड, रुहेलखंड और पूर्वांचल में उनके जितने भी कार्यक्रम हुए, सब विकास योजनाओं की सौगात वाले ही देखने को मिले हैं। उन्होंने गोरखपुर में एम्स और खाद का कारखाने का उद्घाटन किया और झांसी और बलरामपुर में सिंचाई योजनाओं का, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे शाहजापुर में उन्होंने गंगा एक्सप्रेस वे शिलान्यास किया। यानी मोदी है मुमकिन है नारे को एक फिर से बुलंद आवाज मिली। एच फॉर हिंदुत्व। बीजेपी अपनी जुबान कहे भले ही ना, लेकिन ये मुद्दा उसके दिल में बैठता है। पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को इसे आजमाया, लेकिन जैसी सफलता पीएम मोदी को मिली वैसी किसी को नहीं मिली थी। अयोध्या की कानूनी लड़ाई में नरेंद्र मोदी सरकार में विजय श्री मिली। जिस शहर के बारे में मिथक था कि यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, उस वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कराकर पीएम मोदी ने दिखा दिया। अयोध्या और वाराणसी के बाद अब धीरे धीरे मथुरा की बातें जुबान में आती जा रही हैं। बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि उसकी लड़ाई अयोध्या में राम मंदिर बनने तक ही नहीं, बल्कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जाहिर है ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर पार्टी 2022 में फिर से सरकार बनाने की कवायद में जुटी है। इतिहास गवाह है कि पिछले 3 दशकों में कोई सरकार दोबारा चुन के नहीं आ पाई। बीजेपी इस बार इस सच्चाई को बदलना चाहती है। 2022 के विजय के सारे उसकी नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी तो है। किसको कितनी सीट। बुंदेलखंड रीजन, सीटें 19, समाजवादी पार्टी को 1, बीजेपी को 17 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बहुजन पार्टी को 1, कांग्रेस पार्टी को 00 सीट। पश्चिमी रीजन, सीटें 136, समाजवादी पार्टी को 20, बीजेपी को 100 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी 13, कांग्रेस पार्टी 1, जीत सकती है। अवध रीजन, सीटें 118, समाजवादी पार्टी 10, बीजेपी 99 सीटें मिल सकती है। बहुजन पार्टी को 8, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। पूर्वांचल रीजन, सीटें 130, समाजवादी पार्टी को 20 और बीजेपी को 99 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी 11, कांग्रेस पार्टी को 00 सीट। उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटें 403, समाजवादी पार्टी को 51, बीजेपी को 315 सीटें। बहुजन समाजवादी पार्टी को 33, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी को भी 2 सीटें मिल सकती है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम।